आप आज ऑक्सी होम आए, ऑक्सी होम में आप आए, आपका स्वागत हुआ। सबसे पहले आपको कैसा लगा? देखिए, स्वागत हुआ तो स्वागत से तो देखिए हम अभिभूत हैं और हम आश्वस्त भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इसे चुनौती भी मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई डिमांड नहीं की, इसलिए ये जो मेरे लिए और ज्यादा चुनौती। भैया जी, बात करें ऑक्सी होम की, जल निकासी वगैरह ये प्रॉब्लम तो है ही। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहीं सामने कूड़े को डालकर और फिर नाइट में उसमें जला दिया जाता है, तो यहाँ सुबह के टाइम यदि अर्ली इन द मॉर्निंग आया जाए तो यहाँ पर सांस लेना इन लोगों का बहुत ही, आप कहें कि एक तरीके से कैंसर जैसी बीमारियों की कगार पर लोग खड़े हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्थिति बहुत गंभीर है और ये बद से बदतर होते जा रही है, लेकिन ये एक्चुअली इनकी भावनाओं को दर्शाती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक मीरपुर गांव है, वहाँ पर हमने स्कूल के लिए जमीन प्रस्तावित करा दी और जैसे हम विधायक पद से हटे वहाँ पर आज डंपिंग ग्राउंड है, और हमें वादा करके आए मीरपुर से, मगर डंपिंग ग्राउंड भी बनेगा आधुनिक, लेकिन शिक्षा विभाग की जमीन हम वापस कराएंगे। इसी तरह से ये आवास विकास से संबंधित जमीनें हैं, हम आवास विकास को बहुत सख्त करेंगे और प्रशासन को सख्त करेंगे कि यहाँ पर कोई भी इस तरह से कूड़े कचरे का काम हम नहीं होने देंगे अगर हम आए। एक आपकी सुरक्षा को लेकर एक सवाल है, जो यहाँ की जनता ने हमसे भी कहा है कि आप ये सवाल भैया जी से जरूर करें कि कुछ बाहरी लोग आते हैं और आपके नाम से या आपके गांव के नाम से यहाँ पर बदमाशी कर जाते हैं, लोगों को धमका जाते हैं, और एट द लास्ट बदनामी का जो सिरे है वो कुछ विपक्ष आपके ऊपर उस सिरे को फोड़ना चाहते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने ये चीज़ कहा, हमारा भी कोई आदमी गलत कदम उठाएगा तो हम उसके खिलाफ जो सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन सवाल इस चीज़ का नहीं है। सवाल इस चीज़ का है, चले मदन भैया के आदमी है, जावली के आदमी है, सरकार तो बीजेपी की है, क्यों कदम नहीं उठा रही हमारी सरकार में? आप कहीं का भी अगर कदम उठाएगा हम सख्त कदम उठाएंगे। साहब, इसका मतलब केवल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए आप कदम उठाते हैं, भाई पुलिस आपकी, सरकार आपकी, तो आप बताइए, मतलब या तो फिर आप मुझे विधायक मान रहे हो, मुझे विधायक मान रहे हो तो आप चुन लेंगे, फिर हम बताएंगे, उस हमसे सवाल करना फिर उस चीज। ये तो सिर्फ बदनाम करने का साजिश है, बदनाम करने के लिए साजिश है। वही हम कह रहे हैं ना, जब हम ये कह रहे हैं, स्थानीय प्रशासन जो चीज नहीं कह रहा, आप स्थानीय प्रशासन से कहिए, इंस्पेक्टर की ड्यूटी है, डिप्टी एसपी की ड्यूटी है, एसपी की ड्यूटी है, सरकार उनकी, प्रशासन उनके, प्रशासन उनका है। आप मतलब जो है अपने मुद्दे के लिए है तो विधानसभा में धरने में बैठ सकते हैं, कहीं ना कहीं बदनाम करने की राजनीति है। बाकी एक जो यहाँ की ऑक्सी होम की महिलाएं हैं, मात्र शक्ति है, उनको और यहाँ के जो वासी हैं उनको कोई संदेश? सबसे पहले मात्र शक्ति, देखिए मात्र शक्ति के लिए तो मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर हमारी सरकार आए स्थानीय लेवल पे तो लॉ ऑर्डर को हम निश्चित रूप से मजबूत करेंगे, लेकिन जो आज महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ रही है तो कई चीजें हमारी सरकार आने पर, ये सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को होना है, जैसे 300 यूनिट बिजली का लाभ महिलाओं को, लेकिन जो इस रूट पे इतनी लूटपाट होती है, और आप लॉ ऑर्डर के बारे में निश्चिंत, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका लाभ भी सबसे ज्यादा जो परेशानियां महिलाओं को, उसका भी हम सख्ती के साथ जो है करेंगे, लेकिन देखिए कुछ चीजें सरकारी हैं, कुछ चीजें विधायक, विधायक के तौर का, सरकार के तौर का, लेकिन अब के संयोग शायद ऐसा बन रहा है कि विधायक के साथ अगर आपने विधायक बनाया तो सरकार भी बन रही है। एक मांग और मैं बता दूं आपको, भारत जो यहाँ के ऑक्सी होम वाले कर रहे हैं कि जब यदि आप सत्ता में आते हैं, ये लोग आपको अपना प्यार देते हैं और आप सत्ता में आते हैं, तो इनकी केवल एक मांग है, बाकी तो आप करेंगे जो प्रदूषण और जल निकासी की है, कि एक परमानेंट PCR यहाँ ऑक्सी होम के गेट पर दे दी जाए यदि आप सत्ता में आते हैं। देखिए, मैं ऑक्सी होम वालों से कहना चाहूँगा, चुनाव का समय ये तो हम करा ही देंगे, आप लोगों ने थोड़ी दूरी बना के रखी, ये छोटी मोटी चीजें तो मैं बिना विधायक होने के भी आप करा सकते, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या ऑक्सी होम की प्रॉब्लम है, भारत सिटी की मुझे जरूर कुछ प्रॉब्लम मालूम,
आए थे पहले ऑक्सीओम में, जब मैं तो अभी भी पूछा जो है ऑक्सीओम में प्रॉब्लम है क्या है, मैं गाड़ी से निकल गए पता चला जो है ये, अब जो हमें ऑक्सीओम की प्रॉब्लम है पता चली हम उनको निश्चिंत रूप से सॉल्व कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऑक्सीहोम वालों से भी मैं एक कहना चाहूँगा, भैया जी साथ में खड़े, यदि आपकी कोई समस्या है प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट बेहिचक विदाउट किसी हेजिटेशन के भैया जी से मिल सकते हैं जी। नहीं और एक चीज और हम बताएंगे जी, जी अभी तो चुनाव चल रहा है, कुछ को संकोच होता है निश्चित होता है, निश्चित रूप से हम अपना जो फोन नंबर है अपना व्हाट्सएप नंबर जो है हम ओपन कर देंगे, इस वक्त चुनावी बातों पे हमारा गौर है, ठीक है। आप जिसे मतलब कोई नहीं कहना सकता झिझक है, सपोज करो हमारे ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं झिझक रहा है पता चलेगा वहाँ गए, आप निश्चित रूप से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो प्रॉब्लम है आप हमें शेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।